देखिए लॉकडाउन फोर आज से जो है, आज हम लोगों को लॉकडाउन फोर के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो अध्ययन करने के पश्चात जो हम लोग के कंटेनमेंट जोन है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत जो है गतिविधियाँ अनुमन्य रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो है चलेंगी। केवल प्रतिबंध ये है कि वो सोशल जो भी उनके कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और वहाँ पर फेस मास्क सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो भी कर्मचारी और उनका स्टाफ है, वो कोई भी स्टाफ और कर्मचारी उनका कंटेनमेंट जोन के भीतर का नहीं रहना चाहिए, या हॉटस्पॉट क्षेत्र का नहीं रहना चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि उस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि उनका कोई भी कर्मचारी हॉटस्पॉट का नहीं है, और कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट है कि नहीं है इसकी सूचना वो संबंधित थाने से प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक मार्केट्स खुलने की जो बात है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे जो रेस्टोरेंट हैं, मिठाई की जो दुकानें हैं, ये रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी, किंतु इसके संबंध में जो उनके एसोसिएशन है उनसे कल हम लोग बात करेंगे। बात करके किस तरह उसमें भी हम लोग जो एक रोस्टर बनवाएं, इसके संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करके कोशिश करेंगे कल ही इसको हम लोग फाइनल कर दें। इसके सिवाय जो राय वाला मार्केट है, कपड़े की थोक की मार्केट है, उस मार्केट में उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग मुझसे मिले थे। उनकी ये डिमांड थी कि वो तमाम उनके यहाँ माल डंप है, तो अभी फ़िलहाल एक रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको हम लोग आज रात तक फाइनल कर देंगे। उस रोस्टर के मुताबिक उनको तीन तीन चार चार घंटे के लिए प्रत्येक दिन आगामी कुछ दिनों तक उनको ये परमिशन रहेगी कि वो अपना जो डंप माल है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, थोक में बेचना चाह रहे हैं, तो उसको बेच दें। किंतु प्रतिबंध रहेगा कि वो कोई भी अपना स्टाफ, कोई भी कर्मचारी या ट्रांसपोर्ट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं वो जो है लगाएंगे जो आदमी हॉटस्पॉट का हो। इसी तरह अन्य जो मार्केट्स हैं, कपड़े की रिटेल शॉप हैं या अन्य शोरूम हैं, अन्य जींस हैं, उनके संबंध में हम लोग उनके जो भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन है, उनसे बातचीत करके किस तरह हम लोग रोस्टर के एक रोस्टर जो है बना सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके, और जो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने लॉकडाउन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको लॉकडाउन करके रखा हुआ है, उससे जो हम लोगों ने लाभ अर्जित किया है, उस लाभ हम लोग मेंटेन कर सकें, इस उद्देश्य से हम लोग इनसे बातचीत करके जो भी और भी मार्केट्स हैं उनको खुलवाने के बारे में एक आध दिन में हम लोग निर्णय करेंगे। देखिए, हॉटस्पॉट आज जो है हम लोगों ने 6 हॉटस्पॉट समाप्त किए हैं, क्योंकि इन 6 हॉटस्पॉट में से पिछले 21 दिन में कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये जो 6 हॉटस्पॉट जो आज हम लोगों ने ख़त्म किए हैं, उसमें हरोड़ा मुस्तकम थाना गागलेडी, ग्राम दातनी खोल थाना बिहारीगढ़, कस्बा रामपुर मनिहारन, इसका मोहल्ला सराय है, मोहल्ला महल, मोहल्ला पीपल तला, मोहल्ला सराय थाना रामपुर मनिहारन, एक ये मोहल्ला मच्छरियान है थाना कुतुब शेर में, दानिश कॉलोनी है आउटर कॉर्डन नर्सरी वाली गली थाना कोतवाली देहात में, और मोहल्ला हबीबगढ़ है थाना कुतुब शेर में। ये 6 जो है हॉटस्पॉट समाप्त है, बाकी अब केवल 6 हॉटस्पॉट यहाँ पर रह गए हैं। जो 6 हॉटस्पॉट हैं उनमें जो है पूर्ववत ही जो है व्यवस्थाएं रहेंगी। केवल कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंक है, बैंकिंग की गतिविधियों में वहाँ पर चूँकि लोग जो है काफ़ी दिनों से परेशान हैं, उनके लिए उनको पैसे की भी जो है तंगी है, तो उसमें बैंकिंग के लिए उनको हम लोग कुछ सुविधाएं जो है दे सकते हैं। दो बातें सर, स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं, स्टेडियम खुलेगा, क्लब खुलेंगे, तो खेलने के लिए
खेल कूद के बारे में, खेल कूद के बारे में, स्टेडियम के बारे में, जो पार्क है उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करके इसको कल हम लोग बताएंगे।